Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you fifth chapter of 11th class, the ailing planet, the green movement role. The green movement's role. तो ये जो green movement है कैसे शुरू हुआ और ये सब के बारे में बात करेंगे. बच्चे पहले जान लें ये क्या चीज़ है, चैप्टर क्या है. ये चैप्टर आपका एक आर्टिकल है, इसमें कोई कहानी नहीं है. अगर आप इसे कहानी के रूप में पढ़ोगे तो आप नहीं समझ नहीं पाओगे इसे कभी. इसे आप एस एक साइंस की तरह पढ़ोगे, साइंस में कोई टॉपिक होता है या फिर SST की तरह पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे आराम से. इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं, कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके व्यूज़ भी हैं इस चैप्टर में, कुछ फैक्ट भी दे रखे हैं. सारे इसमें फैक्ट हैं, इसमें कोई इमेजन कोई फिक्शनल कोई भी कहानी नहीं है. कोई भी ऐसा नहीं फिक्शनल हो, मोस्टली चैप्टर्स में क्या होता है फिक्शनल होता है, इसमें फिक्शनल नहीं है, इसमें एग्जैक्ट नॉलेज है. तो ये आर्टिकल जब आप लिखते हैं ना, अगर इसके बारे में आर्टिकल आता भी है तो आपको इसमें इससे हेल्प मिलेगी. ओके, तो नानी पालकी वाला जो है हमारे इस आर्टिकल के, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है. और ये आर्टिकल पहली बार पब्लिश हुआ 1994 में. तो शुरू करते हैं आर्टिकल को और लास्ट तक समझना आपको. देखिए, तो ये आर्टिकल था नानी पालकी वाला द्वारा पब्लिश करवाया गया इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को. और उसने बहुत सारे सवाल रेज किए, उठाए, किसके बारे में, कि जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारा प्लानट है, इसके पर्यावरण के बिगड़ने के बारे में, जो आज भी रैली में से आज भी बात करने योग्य है. आज भी एक प्रशासन एक, एक एक मतलब बात करने योग्य सब्जेक्ट है आज भी. तो हमारे पालकी वाला कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी मोमेंट है इतिहास में कभी भी याद नहीं आएगा जितना कि जिसने ह्यूमन बीइंग को पूरी उसमें पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, जैसे कि जो ग्रीन मूवमेंट ने पकड़ा है. आई मीन कहने मतलब ये है कि जिस प्रकार से ग्रीन मूवमेंट ने ह्यूमन बीइंग को अपनी ओर खींचा है, आज तक किसी ने नहीं खींचा है. समझ में आया? और ये ग्रीन मूवमेंट है लगभग आपका 1972 में शुरू हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैल गया. ओके, तो ये पहले हुआ था, अब लगभग लगभग बहुत साल पहले हुआ था. ये आज से लगभग 50 ईयर्स के अराउंड, 48 मान लीजिए लगभग. तो तब ये शुरू हुआ और तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. मूवमेंट ये शुरू हुआ पहली बार न्यूजीलैंड में. तो फैक्ट आएंगे बच्चे इसमें, ठीक है, इसमें कोई कहानी नहीं, आपके सारे फैक्ट आएंगे. तो आगे हमारे जो पालकी वाले लिखते हैं अपने आर्टिकल में कि भाई हम लोगों को, ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को अपना जो मैकेनिक्स जो हमारा व्यू है, मैकेनिस्टिक हमारा व्यू, उसको चेंज करना होगा हमें. और हम लोगों को एक सार्वमिक व्यू से, होलिस्टिक व्यू से, एक पवित्र व्यू से हमें देखना होगा सब चीज़ों को, वर्ल्ड को. वर्ल्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है लेकिन हम पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो हमारे पालकी वाले ये कहते हैं कि हमें एक मैकेनिकल व्यू से ना देख कर हमें एक अपने पर्यावरण की ओर देखना होगा. ओके, तो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन परसेप्शंस हैं, जो मनुष्य हैं, उन्होंने इतना बदलाव कर लिया है, इतना रिवोल्यूशन कर लिया है अपने में, जिस प्रकार, जैसे कि कॉपरनिकस ने हमको बताया था 16th century में. कॉपरनिकस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना, वो क्या है, वो सन के राउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है. जो अर्थ है वो जो सन है उसके चारों ओर घूमता है. और ये पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में ये सब मालूम हुआ. ओके, और ये भी मालूम हुआ कि जो अर्थ है वो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक विशाल प्राणी है ऐसे कह लीजिए. और उसकी अपनी अपनी खुद की उसकी नीड्स हैं, ठीक है, उसकी खुद की नीड्स हैं, उसकी खुद की प्रोसेस हैं इसकी अर्थ की, जिन्हें हमें सेव करना है, उनको उनका सम्मान करना है, उनको बचा के रखना है. तो हमारे पालकी वाला ये कहते हैं. आगे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि जो अर्थ का जो वाइटल्स, जो अर्थ की जो विकृति, जो हालत है वो दिखाती है. वो क्या दिखाती है, वो रिवील करती है. जो अर्थ की जो हालत है वो जो ख़राब हो रही है वो रिवील करती है. जैसे कि कोई रोगी हो, कोई पेशेंट हो, और वो बताते हैं कि हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ना अब जो हमें एक अच्छा व्यू अर्थ के प्रति और अपना जो ऑब्लिगेशन है, हमारे जो खुद के जो ड्यूटीज हैं, हमें वो देखनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी. हमें कोई एक ट्रस्टी की तरह काम करना होगा. अगर हमें अपना जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तो हमें ये सब करना पड़ेगा. आगे जो हमारे पालकी वाला बताते हैं
कि जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी कंसेप्ट है एक, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है ये 1987 में विश्व जो पर्यावरण वो है और विकास जो आयोग है उसने इसे लोकप्रिय बना दिया, ठीक है। तो हुआ ये बना दिया, और इस अपनी रिपोर्ट में इन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए, इन्होंने विचार अपने विचार रखे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उनके बिना हमें कोई समझौता नहीं करना है उनसे, जो हमारी जो जनरेशन है हमें उनकी नीड्स हैं उनके बारे में उनके उसमें कोई समझौता नहीं करना है, हमें अपनी जो प्रेजेंट में जो नीड्स हैं उनको पूरा करना है, मतलब हमें जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको कम यूज करना है, उनको लूटना नहीं है, ठीक है, उनको अपनी आने वाली पीढ़ी उनके लिए भी बचा के रखना है। इट मीन्स वो कहते हैं शॉर्ट में कि भाई तुमको जितना तुम्हें नीड हो, जैसे आप वाटर यूज कर रहे हैं तो जितना नीड हो उतना करो, क्यों आप फालतू में समर को चला के वैसे पानी वाटर को वेस्ट कर रहे हो। तो ये उन्होंने कंसेप्ट, उन्होंने ये बताया कि तुम लोग जितना आपको नीड हो इतना इतना यूज करो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनको हमारी जो आने वाली पीढ़ी उनको नीड होगी इनकी। अब हमारे पालक वाला बताते हैं कि एक छोटी सी कहानी बताते हैं, हल्की सी, देखना। एक जू है लुसाका जाम्बिया में, जाम्बिया कंट्री है, लुसाका शहर है, तो वहाँ पे एक केज रखा हुआ है, उसमें एक नोटिस लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, वो लिखते हैं उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो केज है जाम्बिया में केज है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक एनिमल, ऐसा लिखा हुआ है, केज है एक, उसमें लिखा हुआ है ये सब। और केज के अंदर कुछ भी नहीं है, वहाँ क्या है, एक मिरर है जिसमें आप स्वयं को देखते हो, और फिर उसमें नीचे लिखा हुआ है थैंक्स टू एफर्ट फॉर आ नंबर ऑफ एजेंसीज डिफरेंट कंट्रीज, ओके। उसमें लिखा है कि सभी जो कंट्रीज हैं, सभी जो एजेंसी हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हैं हम, जो उन्होंने इस एनिमल के बारे में अपना अवेयरनेस दिखाया। अब हुआ ये, इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं, जो 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 ह्यूमन हैं, उनके अंदर एक नई डिज़ायर पैदा होगी, और वो समझेंगे कि जो जो विस्डम है इसमें है कि हम लोग ना एक भागीदारी के तौर पे हम लोग इसको, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, अर्थ है, इसको हम बचाएं, ना कि इस पे हम अपना डोमिनेशन दिखाएं। ये हमारे पालकी वाला कहते हैं। अब आगे वो बोलते हैं, वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन जो लिविंग स्पेसीज हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी पहचान कर की है अब तक। और वो बताते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि अभी भी लगभग 3 मिलियन टू 100 मिलियन, मतलब 30 लाख से और लगभग 1 अरब तक अभी भी ऐसे जीव हैं, लिविंग थिंग हैं, जो अभी भी अपने अपना नाम पाने के लिए तरस रहे हैं। आई मीन उनका अभी भी, उनका नाम अभी भी, वो एक अंधकार उसमें जी रहे हैं, उनको कोई जानता नहीं है कि इनका नाम क्या है। लगभग 30 लाख से और 1 अरब तक अभी भी ऐसे क्रिएचर हैं, जीव जंतु हैं, जिनका अभी भी नाम हमें मालूम नहीं है। ओके बेटा, समझ में आ गया। हर पैराग्राफ में कोई नई जानकारी है, आपको हर पैराग्राफ एज ए नया वो सुनना है, ठीक है। अब हुआ क्या, आगे पालिका वाले लिखते हैं कि एक ब्रेंट, ये ना ब्रेंट, देखो तो ब्रेंट आयोग है ना, ब्रेंट आयोग, ब्रेंट आयोग, जैसे अभी हमने पढ़ा था कई डिफरेंट टाइप के वो थे, ब्रेंट आयोग ने क्या, ब्रेंट आयोग है, इसमें हमारे भारतीय रेस्पेक्टेबल एक सदस्य हैं जिनका नाम है एल के झा, ठीक है। तो एल के झा हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है ना, उनमें से एक था ये आयोग, जो उसमें ये शामिल थे हमारे ये एल के झा। तो उन्होंने कई सवाल, ठीक है, उठाए इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, ओके। और उन्होंने ये प्रश्न भी उठाया कि क्या हम लोग हैं, जो अपने, हमारे जो सक्सेसर्स हैं, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, जो हमारे आने वाले जनरेशन हैं, उनके लिए हम क्या डेजर्ट छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए सूखी पड़ी हुई धरती छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए बीमार पर्यावरण छोड़ के जा रहे हैं, क्या हम उनके लिए एक एलिंग प्लानेट छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सवाल उन्होंने उठाया कि क्या हम लोग जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हैं उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, एक बुना हुआ बीमार सा एनवायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने ये ब्रेंट आयोग की रिपोर्ट है उसमें ये सवाल उठाया पूरे वर्ल्ड से। ओके बच्चा, तो आगे देखते हैं बेटा। तो मिस्टर आर ब्राउन ने अपनी 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 थॉट में लिखा है, अपनी उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, जिनकी बुक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें लिखा है कि जो हमारा जो अर्थ का जो जो मेन प्रिंसिपल, जो हमारे जो सिस्टम है, वो चार हैं, ओके। फिशरीज हैं, ये याद रखना,
और फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं और क्रॉपलैंड हैं। तो हमारे पूरे अर्थ पे यही चार हैं जो हमको रॉ मटेरियल और हमें फूड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। फिशरीज मछली वगैरह होती हैं, फॉरेस्ट वन और ग्रासलैंड जिसमें हम खेती वेती करते हैं, और सॉरी जिसमें ग्रास होती है, और क्रॉपलैंड जिसमें हम खेती करते हैं। तो इन्होंने ये सब बताया, उन्होंने ये कहा कि अब क्या है कि जो लोग हम लोग क्या पेट्रोलियम को छोड़ के ये सारी चीज़ें हैं हमें सब कुछ प्रोवाइड कराती हैं। शायद पेट्रोलियम छोड़ दीजिए, बाकी सब ये सब चीज़ें हम इनसे ही प्राप्त करते हैं हम लोग। आगे वो लिखते हैं, वर्ल्ड में मोस्टली जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लगभग इसको जो ये जो चल रहा है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग हैं इनको लगातार नष्ट करते जा रहे हैं। किनको? ये चारों जो उन्होंने दिए हैं, क्योंकि इन लोग क्या कर रहे हैं भाई, खेती के लिए फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ठीक है, ग्रासलैंड को भी काट रहे हैं, उनको भी वाटरलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वाटरलैंड को, ठीक है, और वेस्टलैंड में, सॉरी जो ग्रासलैंड है उनको भी वेस्टलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्रॉपलैंड है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। और जो प्रोटीन के जो लोग हैं, प्रोटीन की जो भूखे लोग हैं, जो वर्ल्ड भूखा है प्रोटीन का, वो ज़्यादा फिशिंग कर रहा है। इससे कॉमन सी बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो पूरा पूरा जो वर्ल्ड है सफ़र करेगा। और वो ये लिखते हैं अपनी बुक में, जो हमारे लेस्टर आर ब्राउन है, वो लिखते हैं कि जो पुअर कंट्रीज हैं उसका तो बुरा, उनका तो और ज़्यादा बुरा हाल है। उधर क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोकल फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ओके, खाना पकाने के लिए, फायरवुड के लिए ये काम कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो लिखते हैं कभी कभी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जो फायरवुड है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना कि जो खाने का सामान है, फायरवुड है जो फूड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ऐसा बताते हैं वो। और डॉक्टर मेयर्स लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि जो जो पावर हाउस है उसमें वो कहते हैं कि जो वो उन्होंने कहा कि जो जो फॉरेस्ट हैं उनका विकास ज़रूरी है। उनके विकास से क्या होगा, बहुत सारी जो हमारी जो जो स्पाइसिस हैं, बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो लगभग नष्ट हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, ओके। तो ये जो आर्टिकल हमने इतना कर लिया बेटा, अब जो बाकी जो रह गया है इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ओके। अगर समझ भी नहीं आया तो बोल दीजिएगा, क्योंकि हर पैराग्राफ में और नई जानकारी है। ऐसे आपको हर पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है, ये नहीं आपको उससे लिंक करना है, लिंक का कोई कुछ नहीं है इसमें। इसमें जानकारियाँ हैं और अर्थ के बारे में कंसर्न है, चिंता है, जो हमारे पालक ने यहाँ पर लिखा है, और उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यूज़ लिखे हैं और इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ लिखे हैं, ओके। थैंक यू।